उत्तराखंड की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट निवेश के लिहाज से बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने तकरीबन 3,550 करोड़ के निवेश पर एमओयू साइन किए हैं। वहीं यूएई में दो दिन के भीतर कुल 15,475 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी उद्योग घरानों को 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर समिट के लिए भी आमंत्रित किया गया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र में यूएई ने बड़ी प्रगति की है। यहाँ की प्रसिद्ध इमारतें विश्व में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है। उत्तराखंड भी अपने शहरों का सुनियोजित तरीके से विकास और नए शहरों की स्थापना यूएई के साथ सहयोग का इच्छुक है। सरकार निवेशकों को राज्य में सभी प्राथमिक आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने को हमेशा तत्पर है। यही वजह है कि जो लंदन, बर्मिंघम और दिल्ली रोड शो में 40,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तो उसी क्रम में मैं आज यहां भी संवाद करने आया था और कल दो दिन से दुबई में, आज दिन में यहां पर प्रमुख लोगों से भेंट हुई थी। उन सभी से मैंने आग्रह किया है कि 8 और 9 दिसंबर को हमारा इन्वेस्टर समिट देहरादून के अंदर आयोजित होगा। मैं आप सब लोगों से भी, आप सबको निमंत्रण देने के लिए भी आया हूं कि उत्तराखंड आप लोग आइए, कम इंडिया, विजिट उत्तराखंड, इन्वेस्ट उत्तराखंड, और लोगों को प्रेरित करिए। और इसलिए करिए कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर कानून व्यवस्था अच्छी है और प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त चीजें हैं, मैन मेड नहीं है, गॉड मेड है। और वो एक ऐसा स्थान है जहां जन्म लेना, तो मैं समझता हूं किसी का भी जन्म कहीं होगा तो वो ईश्वर की कृपा से होगा या ईश्वर की इच्छा से होगा, लेकिन कर्म करना हमारे हाथ में है। उस उत्तराखंड में जहां की कानून व्यवस्था अच्छी है, जहां का लेबर और मैनेजमेंट दोनों के बीच का संबंध अच्छा है, बिजली की टैरिफ पूरे भारतवर्ष में सबसे कम कहीं है, तो उत्तराखंड में हमने 30 से भी ज्यादा वहां पर ऐसे नई पॉलिसी बनाई है। बहुत सारी पॉलिसी जो हमारी पहले से चल रही थी उनको हमने लिबरल किया है, वो हमारी वेबसाइट पर और अन्य जो भी संचार के माध्यम है उन सब पर उपलब्ध है। ऐसे बहुत सारे काम हमने किए हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम इन्वेस्टर समिट को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया था और उसी से प्रेरणा लेके हमने आज 6,000 एकड़ का लैंड बैंक बनाया है और बिजली की हम व्यवस्था कर रहे हैं, आने वाले समय में अन्य संसाधनों की व्यवस्था कर रहे हैं। और देहरादून में आज 40 के लगभग जो फ्लाइट्स हैं दिन भर में पूरे भारतवर्ष के अंदर जाती हैं। और पंतनगर जो हमारा सिटकुल एरिया है, एक बड़ा सिटकुल वहां पर पहले से बना हुआ है, वहां पर हम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बना रहे हैं।